गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू ऑल। आज मैं दोबारा लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नई चीज़। अब हमारा दोबारा दिवाली आ रही है। लास्ट वीडियो में मैंने तोरण और डेकोरेटेड एक दिया और एक हैवॉल हैंग सिखाया था। अब आप रंगोली बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है बेटा। नाउ हम लोग पहले टू स्टैंडिंग लाइन्स बना सकते हैं, बना लेंगे। देन स्लीपिंग लाइन मैंने पेंसिल से ऑलरेडी ड्रॉ करा है, तो आप पेंसिल से पहले ड्रॉ करिए। और जब भी आप ज़मीन में बनाएं, फ्लोर में बनाएं, एक वाइट चॉक लेके गीला करके पहले ट्राई करो। उसके बाद अगर वो सही लगे आपको तब उसमें का रंगोली कलर फिल करो, फ्लावर फिल करो। अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आप मिटा नहीं पाओगे, फिर आपका सारा ख़राब हो जाएगा ना इस वजह से। तो मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ करा है, सो ये कॉर्नर्स भी आपको इक्वल करने पड़ेंगे पहले। अगर कॉर्नर्स इक्वल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसको करना है। देन टू स्टैंडिंग लाइन, टू स्लीपिंग लाइंस हो गई। अब हम स्लांटिंग लाइन से इसको ऐसे अप जोड़ देंगे। अगेन हमें यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, फिर ये वाला, देन अब नीचे वाला। अब आप इसको कर्व ले जाइए, अगेन एक और कर्व बना दो। सिंपल है बहुत, हर कोई बच्चा बना लेगा ये तो हमारा। सो ये ज़रूर ट्राई करो। तो ऐसे मैं रोल कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको खुद एक जगह बैठ के करना होगा, वो तो फ्लोर पे ज़मीन में। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का जब भी आप ज़मीन में बनाएं कि एक चौक आपको वाइट, वो भी गीला करके, पानी से गीला करके फिर ड्रॉ कीजिए। क्योंकि आप सूखे चौक से बनाएंगे तो फ्लोर में इतना दिखाई नहीं देगा। अगर वो मार्बल वाला वाइट मार्बल है सो आप कोई कलरफुल यूज़ कीजिएगा। सेंटर में एक सर्कल बनाना है ऐसे कर्व बनाने के बाद। अब आप दिया बनाना चाहते हैं इसके आसपास, तो सिंपल है, स्लीपिंग फिर कर्व, उसके बाद फ्लेम बनाना है हमने। फिर इसके लिए भी डिज़ाइन है, देन zigzag सर्कल। आप रंगोली के कलर में भी ऐसे बना सकते हो, उसे फिल कर सकते हो। चारों तरफ आप दिए बनाना चाहो और सेंटर में आप दिया रखना। जब आप पूरा कलर फिल कर दो सेंटर में, क्या आप ये दिए जो बना रखे हैं आप इनके ऊपर भी, पेटल के ऊपर भी बना सकते हो, जो हमने पत्तियां बनाई हैं फूल की। ओके, ये सर्कल्स हो गए और ये फ्लेम हो गया। ओके, ये हो गया हमारा पूरा, ये देखो पूरा का पूरा डन हो गया।